किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चे के साथ आरोपी नाबालिग बच्चों द्वारा मारपीट करने का मामला आज सामने आया है। पीड़ित परिवार और अधिवक्ता ने जिला पुलिस कप्तान चुनाराम जाट से मुलाकात कर घटना में प्रयुक्त हुए हथियार को बरामद करने और जांच अधिकारी को बदलने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने मामले में पुलिस की मिलीभगत के आरोप भी लगाते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। दलित वर्ग से संबंधित है एक्चुअली ये लोकल जो एरिया इनका पड़ता है गांधीनगर पड़ता है किशनगढ़ में, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जाति के रेगर समाज से बिलोंग करते हैं। इनके नाबालिग बच्चे के साथ स्कूल में ही कम से कम 3-4 जनों जो नाबालिग बच्चे थे जिसको औपचारिक बोलूँगा बाकायदा गला रेत दिया, हाथ पे कलाई पे बाकायदा इंजरी करी जिसमें 4-5 इंजरी आई थी। उसके बाद 18 तारीख को ये FIR कराने गांधीनगर थाना जाते हैं। उसके बाद FIR होती है लेकिन जिस धारा में FIR होनी चाहिए वो धारा ऐड ना करते हुए बाकायदा वहाँ के कार्यवाहक CSI और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा ही कह दिया जाता है कि यह जात SC ST का मामला है। अच्छा, ये जात डिप्टी मनीष शर्मा द्वारा किया जाता है। फिर ये मुझसे संपर्क करते 21 तारीख को बाकायदा में 22 तारीख को इनके परिवादी के तहरीर के आधार पर वहाँ जाता हूँ। अन्य धारा है जिसमें 307, 326, 149, 120 और 34 के अकॉर्डिंग धारा ऐड करने हैं तो मैं डिप्टी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद भी मेरी ये मांग है इनके परिवादी के आधार पर कि उन्होंने अभी तक ना तो जो 3 बच्चे या 2 बच्चे हैं नाबालिग बच्चे उनको अभी तक औपचारी है उनको अभी तक निरूद्ध नहीं किया गया। मजबूरी में मुझे इन परिवादी को जब न्याय नहीं मिलता है मुझे IG साहब के पास पेश होना पड़ता है इन तहरीर के आधार पर, जिसमें IG साहब मैडम बाकायदा डिप्टी CO मनीष शर्मा को तलब करती है जिसमें हमारी जो 3 या 4 मांगें पूरी कर ली जाती है। पहली मांग तो जो 3 या 4 जो बच्चे हैं औपचारी हैं उनको निरुद्ध किया जाए तुरंत तत्काल से। दूसरा, आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करें अन्यथा आपके जात बदली जाएगी। तीसरा, जो हमारे सामने बात हुई है मैडम की है ना, तीसरी ये चीज़ है कि रीमेडिकल कराया जाए। चौथा, जो इन परिवार वालों को जो लोकल एरिया पड़ता है मीन्स कास्टिंग सिस्टम ज़्यादा है क्योंकि ये पर्टिकुलर हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं और वो